हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू बिलीव ये वीडियोस आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हैं, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। तो आज हमें बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड बिगिन विद द वीडियो और कुछ आर्टिकल्स इंटीग्रेट करते हुए द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो पहला आर्टिकल है द हिंदू का, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स व्हाइल हियरिंग जलीकट्टू केस। तो देखिए, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी को एक एक्सेप्शन देने की कोशिश की जा रही है। अभी तो ये हियरिंग चल रही है, पर जो हम इसका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल देखेंगे एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन का, वो एक्चुअल में ऑपोजिट है। वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी का जो एक्ट है उसको और स्ट्रिंजेंट बनाना चाहता है और उसको और कड़ा बनाना चाहता है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे बिकॉज एक्चुअली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं जहां पे एनिमल्स के साथ बहुत क्रुएलिटी देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही में एथिक्स में भी जब भी आप लिख रहे हैं या फिर आप GS1 में लिख रहे हैं, जहां पे भी, क्योंकि जलीकट्टू केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी आपको कुछ एथिकल कॉनोटेशन तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। अब देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि आपको हर लिविंग क्रिएचर के प्रति कंपैशनेट होना है। देखिए, अगर आप एक आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये बात पता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है जो लिविंग क्रिएचर्स के प्रति आपसे डिमांड करती है कि आप कंपैशनेट रहिए। एक DPSP भी है, आप क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स यू शुड हैव द मैटर रेडी। आप सिर्फ कहानी नहीं लिख सकते कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ये है वो है, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट भी लेके आएंगे। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है कि आपको कंपैशन दिखाना ही है लिविंग क्रीचर्स के लिए, पर ऑफ कोर्स एक बैलेंस की जरूरत है। अब ये केस सुना जा रहा है जलीकट्टू पे। अब देखिए, आप अगर बहुत ही बिगनर हैं तो जलीकट्टू से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि है क्या, है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि जलीकट्टू केस है क्या और क्या प्रैक्टिस है, तो फिर इट्स वेस्ट, आप पूरा जो भी पढ़ रहे हैं वेस्ट हो जाएगा। और कुछ कुछ तमिल संगम है जो, और या फिर तमिल लिटरेचर में इसका क्या पास्ट है, तो वो भी कुछ कुछ चीजें आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं बहुत बेसिकली आपको एकदम ब्रीफली बता देती हूँ कि जलीकट्टू या सलीकट्टू एज इट इज नोन इसको क्या कहते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल इवेंट है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, जहाँ पे जो एक बुल होता है, बुल को एक्चुअली रिलीज कर दिया जाता है एक क्राउड में। ठीक है, तो बहुत सारे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस गेम में जो अटेम्प्ट करते हैं कि वो जो हम्प होता है बुल का उसको ग्रैब कर सके। ठीक है, तो या तो उसको ग्रैब कर सके और दे वुड ट्राई टू हैंग ऑन टू द हम्प और उसके ऊपर राइड कर सके साथ साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि हॉर्न्स पे उनके एक झंडा लगाया होता है, एक फ्लैग लगाया होता है बुल के, तो उसको आप रिमूव कर सके। तो फिर जब आप रिमूव कर देते हैं या बुल के हम्प को पकड़ लेते हैं अगर, और वो आप उसको रोक देते हैं जिस गति से वो भाग रहा होता है बुल, तो अगर आप इसमें सक्षम हो जाते हैं तो फिर आपको प्राइज मनी मिलती है। ठीक है, तो जलीकट्टू एक इस तरह की सेलिब्रेशन है। और ये पोंगल जब फेस्टिवल आता है, मट्टू पोंगल डे, जो हर साल जनवरी में आएगा क्योंकि जनवरी आने वाला है, तो इसीलिए ये केसेस इस तरह से पहले ही सुने जा रहे हैं, तो इसीलिए तब सेलिब्रेट किया जाता है इसको। अब देखिए, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे इंजरीज या डेथ इस स्पोर्ट से रिलेटेड, इस इवेंट से रिलेटेड एसोसिएटेड है, ना ही सिर्फ एनिमल्स को बल्कि पार्टिसिपेंट्स को भी, उनकी भी डेथ हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे, सो ऑफ कोर्स दे कॉल आउट फॉर अ बैन ऑन दिस स्पोर्ट, बैन ऑन दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट। तो लेकिन इसीलिए बहुत बार ऐसा पास्ट कुछ सालों में हो चुका है कि कोर्ट ने बैन भी किया है, फिर तमिलनाडु की सरकार द्वारा भी काफी प्रोटेस्ट देखी गई, और ये जो जनता है उनके द्वारा भी क्यों प्रोटेस्ट देखी गई मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि जलीकट्टू एक्चुअल में कोई छोटी मोटी एक इवेंट नहीं है, इसका एक हिस्टोरिकल पास्ट है बहुत बड़ा। क्योंकि अगर आप तमिल क्लासिकल पीरियड उठा के देखेंगे 400-200 BCE, तो वहां पे इट वॉज वेरी कॉमन, जो अय्यर पीपल हुआ करते थे उनमें काफी कॉमन था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था, अगर आप बहुत सारी ऐसे सील्स हैं, बहुत सारे
जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील है वो डिपिक्ट करती है जहां पे एक एनिमल को बुल टेम करते हुए दिखाया गया है, बिकॉज इट वॉज सेलिब्रेटेड बैक देन। ठीक है, तो अब देखिए आप बहुत, ये वैसे मुलाई एरियाज जो होते हैं ना, आप देखिए जब भी तमिल लिटरेचर पढ़ेंगे, आप अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते ही हैं तमिल लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा, तो उसमें आप जानते हैं कि 5 तरह के तमिल लैंडस्केप्स हुआ करते थे, 5 तरह के। ठीक है, एक होता है कुरिंजी, माउंटेनियस रीजन। कुरिंजी देखिए आपको याद होगा, हमने अपने पीछे आर्टिकल्स जो डिस्कस किए, जो नीले कुरंजी, जो स्ट्रैबिलैंथिस, जो फ्लावर्स होते हैं जो नीले पूरे वेस्टर्न घाट्स को कर देते हैं माउंटेन्स पे, वो उनको नाम एक्चुअल में कुरिंजी लैंडस्केप से ही मिला है, जो तमिल टाइम का, जो तमिल लिटरेचर का टाइम था। ठीक है, तो वो जो 12 साल में एक बारी फ्लावरिंग होती है और इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप बन जाता है, तो कुरिंजी इज दैट वर्ड, आपको याद रहेगा अगर कभी याद आए कुरिंजी को मैच करना आ जाए। ठीक है, ऑप्शन इस तरह के आए तो आपको याद रहेगा कि माउंटेनियस रीजन होता है। तो मुल्लई रीजन जहाँ पे बेसिकली ये प्रैक्टिस किया जाता है बुल टेमिंग एक्सरसाइज, कुछ इट इज एक्चुअली फॉरेस्ट तरह का जो एरिया होता है, जो फॉरेस्ट या पेस्टोरल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वो, और मरुथम होता है क्रॉप लैंड, जहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे लेक्स होंगी, पानी अवेलेबल होगा इरिगेशन के लिए, ऑल दैट। नीथल होता है सी शोर, अब नीथल से आपको पता ही चल रहा है नीला पानी इज द नीला सबसे ज्यादा इन सीज। ठीक है, तो और पलाई लैंड्स कौन से होते हैं, पलाई इज पार्स्ड लैंड, पार्स्ड पलाई विच मीन्स ड्राई लैंड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है, अगर आपसे, अगर देखिए एक ऑप्शन आ गया इससे रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एलिमिनेट करना, क्योंकि नीले कुरंजी से कुरंजी माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो अब आप समझ गए, देखिए जो हमारा साउथ रीजन है ना, वो काफी ज्यादा प्राइड फील करते हैं अपने हिस्टोरिक अपने हिस्ट्री में, तो दे आर एक्चुअली वेरी इमोशनली अटैच्ड टू इट, तो एक एलिमेंट है वहां पे। और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के बैलेंस को मेंटेन करना चाहती है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस देखिए, जस्टिस के एम जोसेफ, जो बेसिकली आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी काफी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज भी हम डिस्कस करेंगे उसी कंटिन्यूएशन में, तो ये वही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हीं का बेंच है जो ये सुन रहे हैं, कि उन्होंने कहा है देखिए एक मस्कीटो है ना, एक मच्छर समझ लीजिए आप, तो वो आपके ऊपर आने वाला, लैंड करने वाला है, और जो उसको चाहिए वो करेगा, वो ऑफ कोर्स इट वुड सक ब्लड। ठीक है, तो अब मस्कीटो भी तो एक एनिमल है ना, अब हम ऐसे तो नहीं हम खड़े रहेंगे, ऑफ कोर्स उसको मारेंगे, कुछ तो करेंगे कि वो हमें काट ना जाए, ऑफ कोर्स कोई रिएक्शन, कुछ रिफ्लेक्स तो होगा ना हमारी तरफ से। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एनिमल क्रुएल्टी नहीं की, क्या बैलेंस चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अब इन्होंने बोला कि देखिए अब केरला में क्या हुआ, इन्होंने ये चीज़ तो नहीं बोली केरला में क्या हुआ, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उन्हें स्ट्रे डॉग्स की बात की, हमें स्ट्रे डॉग्स को बहुत बार कल करना पड़ता है ना, कल यानी कि मारना पड़ता है ना उनको, क्यों, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा केरला की छोटी छोटी बच्चियाँ, या फिर आप आजकल नोएडा दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स में देख रहे हैं कैसे स्ट्रे डॉग्स बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को, बहुत सारे बच्चों को, एक टॉडलर को, अभी 1 साल का एक बच्चा था नोएडा में, उसको मार दिया स्ट्रे डॉग्स ने, तो उनको भी तो आप फिर हमें किल करना पड़ता है ना, तो क्या आप एक एक एनिमल की लाइफ को एक्सटिंग्विश नहीं कर रहे इस जगह। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बैलेंस की बात आ रही है, तो इन्होंने बोला है जज ने, देखिए एनिमल शुड बी ट्रीटेड एज फ्रेंड्स brothers and they had the same rights as human beings, so much so that cruelty in sports entertainment was prohibited. yahi to prevention of cruelty ki baat hai jo act 1960 ka hai. theek hai, to ab inhone sath mein bola hai, जज ने क्वेश्चन किया। अब जज ऑफ कोर्स देखिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन हियरिंग्स देखते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि ना ही सिर्फ आप एक तरफ का मोनोलॉग होता है जजेस के तरफ से, पर आप क्वेश्चंस पूछते हैं अटॉर्नी जनरल से, अगर आपका जो सामने पार्टी है वो सरकार है तो अटॉर्नी जनरल होगा उनका, या फिर कोई पिटिशनर है तो पिटिशनर के एडवोकेट होंगे, तो उनसे पूछते हुए उन्होंने बोला कि चलिए आप बॉक्सिंग का एग्जांपल लीजिए, अब बॉक्सिंग में इतनी ज़्यादा पेन होती है, डेथ भी हो जाती है उसमें। ठीक है, तो इस केस में तो आप ये समझ सकते हैं कि ह्यूमंस को एनिमल्स की की तरह ट्रीट किया जा रहा है, डोंट यू थिंक सो, है ना। तो यहाँ पे अब बेसिकली जो पिटिशनर हैं, जो चाहते हैं कि जलीकट्टू पे बेसिकली बैन लगा दिया जाए, उन्होंने ये चीज बोली है कि उन्होंने ये चीज बोली है कि देखिए यहाँ पे ना बात आ जाती है चॉइस की, यानी कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप बॉक्सर हैं, आपने बाय चॉइस ये चीज अपने उस पर दी है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है,
आपको पता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ है, बट यू हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. पर एनिमल्स के पास ऐसा नहीं है, है ना? उनको तो आप इन्फॉर्म चॉइस नहीं करने दे रहे ना. आपने उनको छोड़ दिया एक पर्टिकुलर यू नो झुंड में, और फिर उसको उस बुल को सब टेम करने में लग जाएंगे. उस एनिमल को तो पता भी नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है. तो यहाँ पे चॉइस की बात आ जाती है. सो लेट्स सी ये आगे केस कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हम देखेंगे. अब देखिए, टफर ड्राफ्ट लॉ अगेंस्ट क्रुएलिटी टू एनिमल्स, व्हाट इज इन इट, व्हाई इट इज नीडेड. ओके, तो क्या है यहाँ पे हम देखते हैं. लेट मी जूम इन अ लिटिल. अब देखिए, सेंटर ने प्रपोज किया है कि हम बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 को अमेंड करेंगे. उन्होंने 61 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है, जिसमें बेसिकली 3 साल की जेल तक प्रपोज की गई है कि अगर आप ग्रूसम क्रुएलिटी करते हैं एनिमल्स के साथ. ये इंक्लूड करेगा बेस्टियलिटी को भी. तो बेस्टियलिटी क्या होता है? हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी एनिमल. जैसे कि केसेस आप एज फार एज आई रिमेंबर, कुछ साल पहले बहुत केसेस इस तरह के आए थे, एक गोट के साथ यू नो यूपी में इस तरह का कोई इंटरकोर्स किया था किसी ने. और बहुत सारी ऐसी चीजें यू नो बेस्टियलिटी से रिलेटेड आती हैं. तो ये भी एक ग्रूसम क्रुएलिटी मानी गई है. तो ये बेसिकली ड्राफ्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स अमेंडमेंट बिल 2022, इसको प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी द्वारा. और इसको बेसिकली पब्लिक कमेंट्स के लिए पब्लिश किया गया है. December 7 तक आप अगर स्टेट होल्डर हैं तो इस पर कॉमेंट कर सकते हैं. अब जैसे ही ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा, हम देखेंगे विंटर सेशन में इसको या फिर बजट सेशन में देखेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है बिल आपके लिए, ठीक है? सो बाय द टाइम यू हैव योर मेंस, प्रॉबेबली ये पास हो जाएगा. अब देखिए बात क्या है. एसेंशियली द लॉ इज प्रपोज टू हैव मोर स्ट्रिंग. अब देखिए, ये सिर्फ ये जो अमेंडमेंट्स आई है ना, वो क्यों लाई गई हैं? क्योंकि जो पनिशमेंट है उसको और स्ट्रिंजेंट करना है. यानी कि आप बेसिकली डेटरेंस पैदा करना चाहते हैं. डेटरेंस क्या होता है? कि आप इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है कि कोई यू नो किसी इस तरह का क्राइम करने से पहले भी सोचेगा कि यू नो पेनल्टी है या फिर जेल है, या मतलब आप डरेंगे कुछ भी करने से, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारे इस ड्राफ्ट में बहुत सारे एक्ट्स को, बहुत सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजिबल बना दिया गया है. कॉग्निजिबल क्या होता है? जिस तरह के क्राइम में आपको एक वारंट के बिना अरेस्ट कर दिया जाता है. वारंट क्या होता है? वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपने साथ लेके आती है. वो कहती है, देखिए हायर अथॉरिटीज द्वारा हमें ये ऑर्डर मिला है कि हम आपसे परमिशन लिए बिना किसी तरह का यू नो वो यानी कि बेसिकली वो बताते हैं कि हमारे को अपनी हायर अथॉरिटीज द्वारा ऑर्डर है. CBI ने ऑर्डर भी दिया है, मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है कि हम यहाँ पे आके एक सर्च कंडक्ट कर सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपके खिलाफ एक केस खुला है जिसके अंदर हमारे को ये ऑर्डर दिया गया है. तो यू नो कॉग्निसेबल में ये भी नहीं चाहिए होता, वारंट भी नहीं चाहिए होता. तो आप उनको ये नहीं कह सकते अरेस्ट वारंट का है मेरा. यू कांट से दैट, बिकॉज नाउ ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ बन चुका है, ठीक है? तो बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे भी हैं. तो अगर हम ड्राफ्ट लॉ की बात करें, इट डिस्क्राइब्स ग्रूसम क्रुएलिटी एज एनी एक्ट दैट लीड्स टू एक्सट्रीम. अब देखिए क्या है ग्रूसम क्रुएलिटी? कोई भी इस तरह का एक्ट जो एक्सट्रीम पेन या सफरिंग कॉज करे, या फिर इट इज लाइकली टू लीव द एनिमल इन लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी. आप कुछ भी ऐसा करते हैं कि उनका पैर हमेशा के लिए चला जाएगा, या फिर उनकी टेल, या कुछ भी अगर उनको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी होगी, वो ग्रूसम क्रुएलिटी मानी जाएगी. तो ड्राफ्ट प्रपोज करता है कि फाइन्स वुड रेंज फ्रॉम ₹50,000 टू 75,000, या फिर कॉस्ट ऑफ द एनिमल. जितने भी एक गाय है, एक हॉर्स है, या कितना भी उस एनिमल का कॉस्ट है, जो भी सबसे ज्यादा है, 50,000 ज्यादा है तो 50,000, या फिर कॉस्ट ऑफ एनिमल ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ एनिमल, विच एवर इज मोर, और विद द इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, विच में अब 1 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है. साथ में डिपेंड करता है केस बाय केस बेसिस पे, जो एक्सटेंड की जा सकती है 3 ईयर्स तक, और विद बोथ 3 ईयर्स, मतलब केस बाय केस पे डिपेंड करेगा कि 1 साल की सजा होनी है, 2 साल की सजा होनी है, या 3 साल की सजा होनी है. फाइन लगना है या इंप्रिजनमेंट होनी है, फाइन भी लगना है और इंप्रिजनमेंट भी होनी है, ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है? तो इट डिपेंड्स. अब देखिए, अगर आप एक एनिमल को किल करते हैं, तो इस केस में ड्राफ्ट बिल प्रपोजेज अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 5 ईयर्स इन जेल. तो अब देखिए क्या है, क्यों बेसिकली यू नो ये स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट करने की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है. तो देखिए, सितंबर में आप
जानते होंगे, काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, एक डॉक्टर राजस्थान के जोधपुर में, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, अपनी कार के साथ एक डॉग को टाई कर दिया था और उन पूरे सिटी में ड्रैग किया था फिर उस डॉग को, और डॉग की एक लेग फ्रैक्चर हो गई, उसको काफी चोटें आई थी। तो जिस तरह का अप्रोर इंटरनेट पे उस समय पे हुआ था, ये बात आपको पता है, तो ये बहुत कॉमन है। अगर आप कहें, ऐसे बहुत सारे केसेस आप छोटे होते या जब भी आपने देखे होंगे कि काऊ की टेल से पकड़ के उसको घुमाना, इस तरह की चीज़ें मजाक लगती है, फन लगता है, लगता था स्पेशली पहले तो बहुत ज़्यादा, आज भी होता है, पर काफ़ी कॉमन है, ये बात आपको पता है। हमें लगता ही नहीं है कि मतलब एनिमल्स के भी कुछ राइट्स होते हैं या वो हमसे इंफीरियर हैं, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए एक और चीज़, एक वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। आई नो, आई डोंट नो इफ इट इज रिलेटेड टू इट और नॉट, पर बात यह है कि सब एक ही हैं, आप भी एक थ्रेड हैं सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ के। अगर आप समझते हैं कि आप सुपीरियर स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और कोई और इन्फीरियर स्पीशीज को बिलोंग करता है, तो कब ये इन्फीरियर स्पीशीज इतनी पावर इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जैसे सुपीरियर स्पीशीज को भी आके थ्रेटन करने लग पड़ता है, ये COVID-19 से हमने सीखना है, ठीक है। तो इसीलिए वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है कि एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, सबके लिए एक ही तरह का आप कह सकते हैं पेडेस्टल होना चाहिए। ओके, सो इट करेंटली, अगर हम अभी देखें इस तरह का जो ऑफेंस है, जो अभी हमने देखा, इसमें करेंटली भी तो कुछ होता होगा, ऐसा नहीं है कि इस लॉ को इस पर्टिकुलर तरह के ऑफेंस को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया और इसके खिलाफ कोई पनिशमेंट आज तक है ही नहीं। तो है, पनिशमेंट है, पर आप हैरान रह जाएंगे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलती है इसमें। तो सेक्शन 428 जो बेसिकली IPC का है और सेक्शन 11 जो इसी एक्ट 1960 वाले एक्ट का है, उसमें अगर आपने पहली बार इस तरह का कोई ऑफेंस किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 50 रुपए की पनिशमेंट मिलती है, इतना आपको पे करना है, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट क्राइम नहीं है, ठीक है, पिछले 3 सालों में, और आपने इससे ज्यादा बार, दूसरी तीसरी बार आप ऐसा कर रहे हैं पिछले 3 सालों में, तो आपका फाइन वुड रेंज फ्रॉम ₹25 to 100, और जेल भी हो सकती है 3 महीने के लिए या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि 10-50 रुपए तो क्या ही डेटरेंस पैदा करेंगे। कॉल्स फॉर अमेंडमेंट्स, अब 2014 से ही देखिए बहुत ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो ऐसा हुआ इन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेज ए नागराज एंड अदर्स, उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को एक प्रॉपर अमेंडमेंट करनी चाहिए PCA एक्ट की, ताकि एक इफेक्टिव डेटरेंट पैदा हो। अब देखिए बहुत सारे MPs पार्लियामेंट के, पर ऑफकोर्स उसमें ना थोड़ी सी पॉलिटिक्स आ जाती है, इसलिए मैं ये वाला सेक्शन डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे अगर हम हिंदूज की बात करें या फिर मुस्लिम्स की बात करें, तो किसी तरह के, जैसे हिंदू ने बताया कि बकर ईद नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल और ये हो जाता है मोबिलाइजेशन इस लाइन पे करना, फिर थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस सब ने ये चीज़ पे आके अग्री करते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए, क्रुएलिटी तो नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की सजेशंस पार्लियामेंट को बहुत बार मिली हैं। अब देखिए और क्या क्या है बिल में जो प्रपोज किया गया है। ड्राफ्ट बिल प्रपोजेज एन इंसर्शन ऑफ अ सेक्शन प्रोवाइडिंग 5 freedoms टू एनिमल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये ड्राफ्ट बिल 5 तरह की फ्रीडम देता है एनिमल्स को। अब आई वुड रीड इट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप ये लिख सकते हैं, आप बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अब देखिए इसमें हर उस इंसान की ड्यूटी होनी चाहिए, अगर वो किसी एनिमल का चार्ज लेता है, आपके पास डॉग है, आपके पास कैट है, आपके पास काउज है, तो आप अगर इफ यू टेक अ चार्ज of an animal, you have to ensure कि जो animal आपकी care में है या आपकी charge में है, उसको freedom है from thirst, hunger and malnutrition। तो मतलब उसको अगर पानी चाहिए तो आप पानी provide कीजिए, उसको भूख लगी है तो आपको खाना देना है adequate amount में, और वो malnutrition नहीं होना चाहिए। कुछ addition concentrate matter उनके nutrition की पूर्ति के लिए जरूरी है, तो आपको provide करना है, ठीक है। number one freedom ये थी जो substantive freedom थी। आप अगर आप जानते हैं कि सब्सटेंसिव फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल या सिविल लिबर्टीज की नहीं होती, सब्सटेंसिव होती है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ये गांधी जी की भी स्टेटमेंट है, राइट। सो जस्ट लिंकिंग इट दैट वे। सेकेंड फ्रीडम है कि आपको उनको फ्रीडम प्रोवाइड करनी है फ्रॉम डिसकम्फर्ट ड्यू टू एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप उन्हें रख रहे हैं, वहाँ पे कांटे लगे हुए हैं, नीचे ग्रास ऐसी है जो उनको चुभ रही है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह के एनवायरमेंट में आप नहीं रखेंगे। नंबर 3 इज कि आपको उनको फ्रीडम देनी है पेन से,
इंजरी से, डिसीजेज से, अगर उनको फीवर है तो उनको दवाई दिलवाइए उनके वेटरनरी डॉक्टर से, अगर उनको कुछ भी दिक्कत है तो आप उनकी उनका इलाज करवाइए। नंबर फोर, उनको फ्रीडम दिलवानी है फियर और डिस्ट्रेस से, एंड द फ्रीडम टू, ठीक है, तो नंबर फोर ये है कि आपको बेसिकली उनको किसी चीज़ की एंजाइटी, उनको किसी चीज़ का डर के उन्हें कोई आके मार देगा या उनको किसी भी तरह की चीज़, ठीक है, वो उनको नहीं होनी चाहिए। नंबर फाइव एंड द लास्ट वन इज़ फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर फॉर द स्पीशीज। अगर हम डॉग की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है लैब्राडोर, तो लैब्राडोर का एक पर्टिकुलर टिपिकल बिहेवियर है उस स्पीशीज का, तो आप अगर उनको रोकेंगे, वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत सोशल है, ठीक है, तो अगर आप उनके नॉर्मल बिहेवियर, अब आप चाहेंगे नहीं आप जर्मन शेफर्ड जैसा बिहेव करो, आप इतना भोको उनके खिलाफ या फिर उनको इतना डराओ, या ऐसा नहीं हो सकता ना, उनका नॉर्मल बिहेवियर वो है ही नहीं, तो आप उनको फ्रीडम दीजिए वैसा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अब देखिए, एक होता है कम्युनिटी एनिमल, ठीक है, तो कम्युनिटी एनिमल के केस में बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द कम्युनिटी एनिमल्स इन अ मैनर डेवलप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द बोन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिटी एनिमल्स के केस में भी देखिए बहुत बार अभी जिस तरह की केयरलेसनेस वंदे भारत ट्रेन के टाइम पे दिखाई गई, जहाँ पे यू नो 2 to 5 ऐसा कहा जा रहा है कि यू नो काउस की डेथ हो गई, क्योंकि जो वंदे भारत ट्रेन का यू नो जो चल रहा था जब वो, तो फिर उससे कोलाइड हो गया, कोलिजन हो गया, ठीक है, तो इसमें पंचायत की सरपंच की बहुत बड़ी गलती निकाली गई कि आपने क्यों मतलब ऐसे छोड़ दिया हर्ड वहाँ पे ट्रेन के ट्रैक पे, कैसे जाने दिया। साथ ही में सिर्फ देखिए आप उनको नहीं यू नो कह सकते, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते, खैर अब तो यू नो वॉल्स बनाई जाएंगी आसपास, तो जो सीनिक ब्यूटी आपको बाहर देखने के लिए मिलती थी वो नहीं मिलेगी, बट ऑफकोर्स इट इज़ फॉर गुड अब तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं जो हर्ड में ट्रैवल करते हैं, गोट्स होती हैं जो ट्रेन ट्रैक्स पे आ जाती है, तो इट इज़ बेटर कि आसपास वॉल्स इरेक्टेड हो, ठीक है, ट्रेन ट्रैक के पास। तो कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन का ये यू नो एंटिसिपेट ही ना करना कि ऐसा हो सकता है भारत में या कुछ भी हो सकता है, तो ये इतनी बड़ी ट्रेन जो आपने बनाई उसका आपने ये इमेजिन नहीं किया, ये थोड़ा सा फ्लॉ तो सरकार के पार्ट पे भी था, ये एडिटोरियल हमने डिस्कस किया हुआ है। सम एक्सपर्ट्स हैव इन द पास्ट पॉइंटेड आउट दैट सिंपली इंक्रीजिंग द क्वांटम, अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इसी लॉ के लिए नहीं है, ये हर लॉ पे लागू होता है कि आप 1 लाख से 2 लाख पनिशमेंट रख दें या 50,000 से 1 लाख कर दें, इससे बहुत कम फर्क पड़ता है मर्डर पे, रेप पे या इस तरह के इतनी बड़ी बड़ी, उस पर तो पनिशमेंट भी इतनी ज़्यादा, लेकिन हो रहा है ना सब कुछ, इस तरह की गलत चीज़ें हो रही हैं, फाइन है, तब भी कोई डेटरेंस नहीं पैदा हो रही, तो बात यह है कि इट इज़ नॉट इनफ, यू नो देर हैज़ टू बी यू नो समथिंग मोर हैज़ टू बी डन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द सिविल सोसाइटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और कंसर्न क्या है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास बहुत ही कम लाइवलीहुड एवेन्यूज हैं, जैसे मदारीस जो परफॉर्म करते हैं एनिमल्स के साथ, या फिर सपेरास जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, तो फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो भी क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स के आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी। अब जो दूसरा आर्टिकल हमें इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करना है, वो एक्चुअल में एक एडिटोरियल है बट अ वेरी ब्रीफ वन, और वो मीजल्स के ऊपर ही है जो हमने कल देखा था, लेकिन अगर यू नो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बायोलॉजी पे क्वेश्चन, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन, ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चंस हैं अगर हम GS3 की बात करें, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक आया तो कोविड की वैक्सीन पे जब क्वेश्चन आ सकता है, जो एक कम्प्लीटली बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको इनएक्टिवेटेड वायरस के बारे में बताना पड़ेगा कि लिया जाता है या फिर किल्ड वायरस को लिया जाता है, फिर वो मेमोरी सेल्स बनाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स प्योर बायोलॉजी, राइट, सो एनीथिंग कैन बी asked. Of course, you wouldn't have to go into कि आप डायग्राम बनाएंगे या ऐसा कुछ, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, तब तो आप कुछ लिखेंगे, ठीक है, या फिर प्रीलिम्स में भी आता तो आपको समझ तो आना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी जो चीज़ हुई है कोलेटरल डैमेज, वो हम देखते हैं, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगी और एक एनालिसिस भी दूंगी कि कोविड के टाइम पे सिर्फ एक ही वायरस के साथ डील करते करते क्या क्या चीज़ें हमने निग्लेक्ट कर दी। ओके, क्योंकि आई बिलीव शायद आपने उस समय के इकोनॉमिक सर्वेज नहीं पढ़े होंगे, तो आई यू नो हैपन टू हैव गॉन थ्रू दैम, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको ओल्डर इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी, ठीक है। तो पहले तो मीजल्स के बारे में अगर मैं बता दूँ, मीजल्स एक बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जिसे कॉज किया जाता है मीजल्स वायरस द्वारा। अब मीजल्स वायरस क्या है, ये एक्चुअल में एक सिंगल स्ट्रैंडेड
आरएनए वायरस है। अब देखिए, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, हमने बहुत सारे वायरसेस पिछले एक दो महीने में देखे हैं, जिसके मैंने आपको बताया था आपको ये याद करना बहुत जरूरी है कि ये डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। जैसे एचआईवी और भी बहुत सारे जो एक एक करके हमने डिस्कस किए, तो इसमें आपके लिए मीजल्स क्योंकि एक आउटब्रेक कॉज कर रहा है, यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपनी टीम्स भेजी गई हैं अहमदाबाद में, झारखंड में, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जिसका जीनस है मोरबिली वायरस, फैमिली है पैरामिक्सोवायरिडे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मीजल्स इज द मोस्ट कॉन्टेजियस ट्रांसमिसिबल वायरस नोन। अगर स्टेटमेंट ये आती है और आपको बहुत सारे पंडित्स ने ये बताया हुआ है यूपीएससी के कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो हमेशा ही गलत होती है, तो फिर यूपीएससी आपको गलत कर देगा क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मीजल्स इज द मोस्ट कॉन्टेजियस ट्रांसमिसिबल वायरस नोन, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, आपने वैक्सीनेशन मीजल्स के अगेंस्ट नहीं करवाई हुई अपने बचपन में, है ना, या फिर आपको पहले कभी मीजल्स नहीं हुआ हुआ, तो मतलब आप नॉन इम्यून है मीजल्स के प्रति। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, किसी भी के भी कॉन्टैक्ट में जिसको मीजल्स है, तो यू नो ऑलमोस्ट यू नो चांसेस ये हैं कि होगा ही होगा मीजल्स उसको। तो मतलब इट इज सो कॉन्टेजियस कि अगर कोई एक इंसान इन्फेक्टेड है तो 90% ऑफ द नॉन इम्यून पीपल हु कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद देम विल बिकम इन्फेक्टेड। इट इज दैट कॉन्टेजियस, मतलब फैलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और देखिए ये काफी डेंजरस पता है क्यों है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को आपके सप्रेस कर देता है बहुत ज्यादा, और ये एयरबॉर्न डिसीज है, ये तो आपको पता ही है, कफिंग से, स्नीजिंग से, इस तरह से इन्फेक्ट होता है, नेजल सिक्रीशन से। और मतलब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स डेवलप होने लग पड़ते हैं अगर, जैसे अगर आपका एक्सपोजर हुआ है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो 10 टू 12 डेज में आपके सिम्टम्स डेवलप होने लग पड़ेंगे। और इनिशियल सिम्टम्स ऑफ कोर्स फीवर होता है, कफ, रनी नोज, और फिर स्मॉल स्मॉल वाइट स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं जिसे कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स भी कहते हैं, तो वो शुरू होते हैं इनसाइड द माउथ, मतलब आपके बिल्कुल मुंह के अंदर पहले इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स शुरू होते हैं। फिर उसके बाद एक रेड रैश होने लग पड़ता है जो फेस से स्टार्ट होगा यूजुअली, फिर पूरी बॉडी भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो ब्रेन फीवर, जो सबसे बड़ा डर है मीजल्स का, वो ब्रेन फीवर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन बेसिकली, या फिर ब्लाइंडनेस, या फिर बेहोश हो जाना बार बार, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जो मीजल्स का आउटब्रेक हम देख रहे हैं मुंबई में, उसने काफ़ी कंसर्न्स रेज किए हैं अमंगस्ट कंट्रीज पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़। अब देखिए, अगर हम मुंबई की बात करें, उसमें 200 केसेस ऑलमोस्ट रिपोर्ट हुए हैं पिछले दो महीनों में, और एटलीस्ट 13 बच्चों की जान गई है। दिस इज़ अ बिग जंप फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 10 केसेस देखे थे 2021 में, और सिर्फ एक डेथ देखी थी 2021 में। अभी तो हम सिर्फ दो महीने की बात कर रहे हैं, वो भी एक सिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, 29 केसेस एंड नो डेथ इन 2020 एंड 37 केसेस एंड 3 डेथ्स इन 2019। तो अगर हम हर तरह से यू नो निचोड़ निकालें, तो द आउटब्रेक सीम्स टू हैव बीन प्रेसिपिटेटेड बाय अ बैकस्लाइड इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब देखिए, पैंडेमिक के समय पे आपका ध्यान ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स उस समय पे आया करते थे इन द प्रिंट मीडिया, या फिर वैसे भी आप अगर आप इंटरनेट पे यू नो समय पढ़ते थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि कोविड है, यू नो काफ़ी बड़ी डिसीज़ आई है, पैंडेमिक आया है, पर इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ हैं जो इससे कहीं गुना ज़्यादा डेथ कॉज करती हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जैसे यू नो डायबिटीज़, इससे अपना यू नो जैसे टीबी है, इट इज़ कम्युनिकेबल, टीबी, डायबिटीज़, इस तरह के डिसीज़ से बिल्कुल ही ध्यान हटने लगा था। और सरकार पे काफ़ी यू नो बहुत लोगों ने, एक्टिविस्ट ने, सिविल सोसाइटी ने लिखा था, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लिखा था, ऑफ कोर्स यू नो कोविड पैंडेमिक के खिलाफ एक बैटल ज़रूरी है, पर इनको निग्लेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो मीजल्स के इतने सारे हमने केसेस अगर हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो बेसिकली बच्चों को जो यू नो वैक्सीन देते हैं पर्टिकुलर तरह की, तो पैंडेमिक के दौरान वो सफ़र किया है, ये इसका हिंट है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट डेटा, ओनली 41% ऑफ द एलिजिबल
स्टेट, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो 41% ऑफ द एलिजिबल चिल्ड्रन जितने भी हैं, ठीक है, जो जिनको बेसिकली दिया जाता है मीजल्स की वैक्सीन, मुंबई में जितने भी एलिजिबल बच्चे होंगे उसके सिर्फ 40% बच्चों को ही बेसिकली इनोक्यूलेशन मिला है, ठीक है। तो अब देखिए जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जैसे आशा वर्कर्स, जिनको बेसिकली अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होती है, उनको वैक्सीन हेजिटेंसी को कॉम्बैट करना होता है। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है, जो कोविड के टाइम पे भी देखी थी, एक तो पाकिस्तान में भी वैक्सीन हेजिटेंसी है बड़ी तरह की, वहाँ पे जब कोविड की वैक्सीन बनाएगी तो पता नहीं किस तरह के अजीब से वहाँ पे फैले कि मगरमच्छ बन जाते हैं इसको, मतलब इस तरह की वैक्सीन को लेने से, मतलब वहाँ का तो खैर क्या कहना, पर इवन यूएसए में भी ऐसा है, इफ अ मैन टेक्स अ पर्टिकुलर वैक्सीन, अ बॉय टेक्स अ पर्टिकुलर वैक्सीन, वो अपनी फर्टिलिटी खो देता है, इस तरह के जो बातें फैलती है ना। या फिर कोविड के टाइम पे भी जब वैक्सीन नई नई आई थी तो सबको लगा था कि एक दो केसेस पता नहीं कैसे जोड़ लिए कि वैक्सीन लगने की वजह से कोई आईसीयू चला गया, तो वैक्सीन नहीं लगवाते, फिर एक कोई ऐसा केस आ जाता तो फिर पूरा भारत वैक्सीन नहीं लगवाता। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, इसमें से भारत में ऐसा, भारत में जितनी यू नो साइंटिफिक टेंपर दिखाया जाता है वो किसी कंट्री में, सो कॉल्ड जो लिबरल कंट्रीज हैं यूएसए में भी नहीं, यूएसए में भी ट्रंप जैसे लोग रहते हैं जो कोविड वैक्सीन के खिलाफ थे, तो दैट वे, ठीक है। तो ये मीजल्स वैक्सीन के खिलाफ भी थोड़ी सी वैक्सीन हेजिटेंसी है जो आशा वर्कर्स और बाकी पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को कर्ब करनी होती है। तो बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स ने रिसेंटली बहुत यू नो दिखाया है हेजिटेंसी कि हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते इस इनोक्यूलेशन रूजीम को अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम जैसे ही घर जाते हैं उसको फीवर हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है फर्स्ट यू नो जैब के बाद। तो देखिए ये तो बहुत कॉमन है, कोविड की जब वैक्सीन लगी है उसको भी तो फीवर होएगा ही होएगा, क्योंकि डल तो वायरस ही रहा आपके अंदर, इनएक्टिवेटेड ही तो है ना वो तो ऑफकोर्स होगा। और मतलब पास्ट में एक्चुअली पैंडेमिक में क्या हुआ ना, ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन जितनी थी, इतना टाइम नहीं था, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को कम्प्लीटली कोविड से डील करने के लिए लगाया हुआ था। लेकिन इससे पहले प्री पैंडेमिक के टाइम पे अगर हम देखें तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते थे वो क्या करते थे, बेसिकली जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने आया तो बिल्कुल उनको रीअश्योर करते थे कि बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा अगर घर जाके थोड़ा सा फीवर दिखाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे ये पता चलता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया ना, तो ये चीज मतलब ये एफर्ट्स नहीं डाल पाए इस बारी, तो इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखने के लिए मिल रही है। तो पिछले कुछ सालों में बेसिकली जो सेंटर का मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है, जिसने बेसिकली वैक्सीन कवरेज को बहुत इन्हांस किया है और काफी जो शॉट्स, दो शॉट्स के बीच में जो डिलेज होते हैं उसको कम किया है, काफी सक्सेसफुल रहा है। पर जो WHO है और यूनिसेफ है, उनकी स्टडीज ये बताती हैं कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली दोज फोकसिंग ऑन DPT एंड मीजल्स, DPT यानी कि डिप्थीरिया परचूसेस एंड टेटनेस, तो उन्होंने थोड़ा सा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, जो इंडिया को भी इंक्लूड करती हैं, पिछले दो सालों में दे हैव टेकन अ हिट, मतलब नहीं सही से काम हो पाया है यहाँ पे। अगर पैंडेमिक के हम बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन की जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि कम से कम 1,00,000 बच्चों ने अपने शॉट्स को मिस किया है बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूव। 1,00,000 बच्चा मीजल्स का जिसको वैक्सीन नहीं लगा, वो बहुत बड़ी बात है, गिवन द फैक्ट मैंने आपको अभी ये बताया है कि ये कॉन्टेजियस कितना है, कितना ज़्यादा फैलता है और कितना ज़्यादा लीथल भी है, ठीक है। तो बहुत बहुत 1,00,000 बच्चे को उसी समय में ना लगना बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारी एनेक्डोटल रिपोर्ट्स, मतलब ऐसे कुछ खास नहीं, इधर उधर से पता लगने वाली जो रिपोर्ट्स होती है अनऑफिशियल, वो इंडिकेट करती है कि इंडिया का जो यूनिवर्सल इनोक्यूलेशन प्रोग्राम है वो पैंडेमिक के लेटर पार्ट के दौरान उसने पिकअप किया, बट ऑफकोर्स पिकअप किया, इट इज़ गुड, ये तो हमें भी पता है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही कहा था विद फैक्ट्स। लेकिन मीजल्स जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही कॉन्टेजियस डिसीज है, अगर इवन अ 5% फॉल इन द वैक्सीनेशन रेट कैन डिसरप्ट द हर्ड इम्यूनिटी एंड प्रेसिपिटेट एन आउटब्रेक, और वही हमारे जो डर है वो सामने आ रहा है। पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, ना ही केसेस हम सिर्फ मुंबई में देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया झारखंड, रांची, अहमदाबाद, गुजरात, मल्लपुरम, केरला, हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। इसलिए सेंटर ने अपनी टीम्स को भेजा है स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज को एड करने के लिए, सो दैट दे आर एबल टू कंट्रोल एंड कंटेन द the outbreak. It has also rightly asked states to consider administering an extra dose of vaccines to children. Extra dose देने की भी उन्होंने suggestion दी है कि आप दें बच्चों को जो 5 से 9 साल के बच्चे हैं vulnerable areas में जहाँ पे फैलने के डर बहुत ज़्यादा है, cases already exist कर रहे हैं। पर बात यह है कि आप, ये तो emergency measure हो गया ना, ये तो रिएक्टिव मेजर है ना। तो जब भी आपको जैसा हेल्थ के ऊपर कोई क्वेश्चन है ना, हमेशा ये कुछ दो चार वर्ड्स जरूर यूज़ कीजिए कि रिएक्टिव
मेजर्स नहीं, प्रोएक्टिव मेजर्स लेनी चाहिए। प्रोएक्टिव मेजर में प्रिवेंशन मेजर आता है, और प्रिवेंशन मेजर में क्या होता है, बेसिकली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज द्वारा दिया गया ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इमरजेंसी को आप अपने जो इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे मिशन इंद्रधनुष ने अपने पास्ट में की है कि पूरी दुनिया ने अपलोड किया है हमारे हेल्थ सर्विसेज को, उसे इन तरह की इमरजेंसी से ओवरटर्न ना होने दें। तो एक फुल फ्लेजेड जो हमारा अटेंशन चाहिए हर तरह की डिसीज पे, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो टीबी है, चाहे वो कोई भी डिसीज है, उसको दीजिए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लास्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का जो हमें डिस्कस करना है, Why not dissolve? Nothing much here, but मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास जब पिटिशन गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि गुजरात हाई कोर्ट जो है, दे हैव बिन लाइक वेरी विजिलेंट अबाउट द केस, और उन्होंने सुओ मोटो खुद से PIL फाइल करके ये केस सुनना शुरू किया है मॉर्बी कोलैप्स केस के अगेंस्ट इन द सेंस उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो डरने की कोई बात नहीं है, वो अच्छे से ही काम करेंगे। तो वहीं गुजरात हाईकोर्ट बेसिकली कर रहा है, गुजरात हाईकोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फर्म टोन में गुजरात सरकार से ये पूछा है कि अभी तक आपने डिजॉल्व नहीं की या सुपरसीड नहीं की मॉर्बी म्यूनिसिपैलिटी को, सिविक बॉडी को, क्यों? क्योंकि गुजरात म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट तो आपको पावर देता है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिक देखिए म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी इंश्योर करे इस सस्पेंशन ब्रिज की, उन्होंने नहीं इंश्योर की है ना, अपनी ड्यूटीज को इग्नोर किया। तो आपने अभी तक उस म्यूनिसिपल बॉडी को डिसॉल्व क्यों नहीं किया, उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा प्रॉपरली, ठीक है। तो जब उनको पता था, उनको इतनी वार्निंग्स दी गई कि कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ब्रिज की, इवन देन है ना, तो ये चीज देन वी मे हैव टू, उन्होंने बोला या तो आप कर दो सस्पेंड या फिर उनको डिसॉल्व, या तो हम पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, यू डिसाइड, आप करोगे हम करेंगे। तो ये तो मतलब आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि दे आर एक्चुअली वर्किंग दैट वे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वीकली बेसिस पे आपको हर चीज़ की रिपोर्ट लेनी है, कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि इट वॉज एन एनॉर्मस ट्रेजेडी। अगर आपको याद होगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस लाइटनिंग स्पीड ऑफ ईसी अपॉइंटमेंट। तो देखिए जैसे कि हमने कल देखा था जो इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल जी, जिनको एकदम लाइट की स्पीड से अपॉइंट किया गया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। अरुण गोयल जी बेसिकली एक सेक्रेटरी थी, वॉज अ सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। उन्होंने रिटायर्ड इन सेंस अब रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, और आई विल लेट यू नो कि यहाँ पे एग्जैक्टली अगर लिखा हुआ है तो ओके। तो देखिए मई 15 से लेके अगर मैं आपको और स्पेसिफिक बता दूं, मई 15 से लेके नवंबर 18 तक वैकेंसी थी, एक इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे। तीन मेंबर की बॉडी है ना, मल्टाई मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि जैसे प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मे थिंक, वो डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कोई और इलेक्शन कमिश्नर्स की जरूरत है कि नहीं। पर राजीव गांधी जी के टाइम से, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने 21 से 18 साल उम्र की थी वोटिंग की, तो तब काफी ज्यादा प्रेशर था ना इलेक्शन कमीशन पे, इतने सारे इलेक्टोरल रोल्स बनाने थे, तो फिर तब से वो तीन मेंबर बॉडी चली आ रही है, और फिर उसको एक आप कह सकते हैं कॉन्वेंशन बन गया वो, ठीक है। तो यहां पे अब दूसरे मेंबर की, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट वेकेंट है मई से लेके, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और इन्होंने बोला कि ऐसा अचानक से क्या हो गया, मतलब कि आपने एक ही दिन में मतलब सब कुछ कर दिया। देखिए, नोटिफिकेशन वॉज ब्रॉट आउट द सेम डे, एप्लीकेशन वॉज गिवन द सेम डे, इट वॉज एक्सेप्टेड द सेम वे सेम डे, एंड द अपॉइंटमेंट वॉज मेड द सेम डे, है ना, कि मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपने, ऐसा क्या हो गया कि उस इतने महीने से आपको याद नहीं आया कि वैकेंसी को फिल करना है, और आपने एक ही दिन में कुछ कॉन्टम्पलेट नहीं किया, टाइम देने की कोशिश नहीं की, सलाह मशवरा कुछ भी नहीं किया, और आपने अरुण गोयल जी को अपॉइंट कर दिया, ऐसा क्या हो गया? तो देखिए पिटिशनर्स का, जिनको बेसिकली हमारे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जिस दिन शुरू किया ये वाला केस कि वो उनको देखना है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कैसे इंसुलेट किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को, तो एग्जैक्टली उनको तब याद आ गया कि उन्हें ये अपॉइंटमेंट करनी है जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर द कोर्ट स्टार्टेड एग्जामिनिंग दिस पर्टिकुलर केस। तो ये चीज़ बेसिकली बात क्या है, सरकार के उस पर अपॉइंटमेंट के लिए अगर एक बॉडी बन जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसीलिए बेसिकली ऐसा
पिटिशनर कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट कर दो और फिर आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा कि अपॉइंटमेंट तो अच्छे से हो ही रही है, वैकेंसी वगैरह तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंस्पेक्टिंग उन्होंने ऑफिशियल फाइल्स जो मांगी थी कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंसिडर किए अरुण गोयल जी को इतनी जल्दी, जब आपने इलेक्शन कमिश्नर पे अपॉइंट किया कि उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली अपनी जॉब से और सेम डे उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, अपना कंसेंट भी दे दिया दूसरी जॉब लेने के लिए, ये सब चीज़ों पर उन्होंने बोला कि आप फाइल्स दिखा दो। तो सरकार ने फाइल्स सबमिट कर ली और इलेक्शन कमिश्नर की ये भी सारी फाइल्स सुप्रीम कोर्ट के जज ने देख भी ली, पर वो हैरान है कि यू नो 24 घंटे भी इससे भी कम यू नो टाइम में बेसिकली पूरा स्टार्ट टू फिनिश सारा प्रोसेस ही खत्म हो गया नवंबर 18 को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे और तो कुछ नहीं बोला आई थिंक, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या निकल के आएगा वो तो हम देखेंगे विद टाइम इलेक्शन कमीशन पे क्या होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा हमने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था कि एक्चुअल में फ्लॉ ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्तर पे नहीं लाया करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जान पूछ के सरकार, अभी से नहीं अभी की सरकार नहीं यूपीए सरकार थी जब 2004 से हम देखें तो 2004 से पहले क्या हुआ करता था, इनका कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर्स का जो टेन्योर होता था 8-8 साल का होता था। अभी आप जान पूछ के एक इंसान को जिसके पास ये होते ही गिने चुने 100 दिन है उनको ऐसे चूज करते हो ताकि वो अपने 6 साल जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है टेन्योर का वो पूरा ही ना कर पाए, 64.5 उम्र के होते हैं ऐसा कुछ होता है कि उनका टेन्योर इतना बढ़ी ना पाए, है ना। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ्लॉ है डायग्नोसिस में, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सही बिल्कुल सबको पता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी हैम्पर्ड है इस बात में तो कोई डाउट है नहीं। उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, टीथ देने के लिए इलेक्शन कमीशन को, उसको अपना स्टाफ देने के लिए, अपनी रूल मेकिंग पावर देने के लिए, इस पर कोई डाउट नहीं है। हर तरह का बंदा आपको ये बता देगा, कोई भी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करता हो कि ये जरूरी है, पर फ्लॉ आपने सही डायग्नोस नहीं किया। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वो बनता है जो इलेक्शन कमिश्नर सीनियर हो जाता है, सीनियर मोस्ट हो जाता है, फिर एलिवेट करके उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। तो एक्चुअल में जो एंट्री पॉइंट है यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो पॉइंट है, जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट वाली जगह है, जो एंट्री इंटू इलेक्शन कमीशन होती है, तो इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है उसको देखा जाए, वो वहाँ पे पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस कर सकती है अपॉइंटमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली हम देखते हैं कि क्या होता है। पर अगेन बात ये है कि क्या जुडिशियल ओवररीच दिखाएगी यहाँ पे, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाएगी, क्योंकि एक्चुअल में तो पार्लियामेंट को बाय लॉ अपॉइंटमेंट डिसाइड करनी चाहिए, यही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 क्लॉज 2 कहता है। मैंने आपको कल कहा था आर्टिकल 324 का आप सिर्फ क्लॉज 1 पढ़ते हैं, आपको सब बताते भी यही है, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड ऑल दैट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब कुछ उसमें लिखा है, ठीक है। लेकिन आप उसके सारे के सारे क्लॉजेस पढ़िए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, समझने की कोशिश कीजिए वहां पे लिखा क्या है। आप कुछ तो लिखेंगे, आप मतलब समझ रहे हैं ना, अगर पेपर में ही आ गया तो फिर आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड टू हेल्प ऑफसेट डेंट इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन मिनिस्ट्री। तो क्या हुआ है बेसिकली, जो हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, है ना। क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जब डिमांड ही नहीं है बाहर की मार्केट्स में तो कहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाहर की मार्केट्स में डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वहाँ पे महंगाई इतनी है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी उनकी बची नहीं है बिल्कुल भी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, यूक्रेन वॉर चल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस वैसे ही उनका बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ है, उनके पास अपने हीटर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, विंटर्स आ गई हैं, दे आर यू नो फियरिंग टू फ्रीज, है ना, इस तरह की बातें। तो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, पर हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि तब भी हमारी जो यू नो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो रेजिलिएंट रहेगा, इन सारी दिक्कतों के बाद भी हम अनइफेक्टेड रहेंगे क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है ना। हमने क्या करना, बाहर की डिमांड हो जाए अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो अच्छा तो हम आपस में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डिमांड तो रहेगी, तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। इस यही रीज़न था बेसिकली 2008-09 का जो फिनेंशियल क्राइसिस था वो हमें छू के भी नहीं गया, मतलब इन द सेंस बाकी कंट्रीज ऑब्वियसली डूम्ड जितना बड़ा क्राइसिस था, लेकिन पॉपुलेशन है ना, बहुत बार हम समझते हैं कि पॉपुलेशन एक बेन है, पर जिस तरह का बून इकोनॉमी के लिए हमारी पॉपुलेशन हमेशा साबित हुई है, ये आप हिस्ट्री उठा के देखिए आपको पता चल जाएगा, यानी कि इकोनॉमी की हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट साइकिल अब हमने चला दी है, शुरू हो गई है हमारे भारत में, जो बाहर के प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार जिस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फिर इससे क्राउड इन इफेक्ट आएगा, सरकार इन्वेस्ट करेगी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा प्राइवेट इंडस्ट्री का, वो भी इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। ओके, विल ऑफकोर्स पुश द इकोनॉमीज ग्रोथ एंड स्पार्क अ रिबाउंड इन जॉब्स इन द कमिंग मंथ्स, ठीक है। तो ऑफकोर्स रिसेंट इन्फ्लेशन तो यहाँ भी बहुत है, पर इन्फ्लेशन इन्होंने कहा है
बाहर के फैक्टर्स की वजह से नहीं है, इंपोर्टेड नहीं है इन्फ्लेशन, मोस्टली ये लोकल फैक्टर्स की वजह से है, यानी कि फूड प्राइसेस हाई हो गए हैं। एक्चुअली में फूड प्राइसेस भी हाई क्यों है, अब तो ये भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि खरीफ क्रॉप का जो हार्वेस्ट है अब तो वो अवेलेबल है। तो वो इसीलिए है क्योंकि फूड क्रॉप्स में, जैसे हमने टोमेटो इन्फ्लेशन आपको याद होगा कवर की थी कि टोमेटो इन्फ्लेशन इज अ रियल कॉज, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। अभी पिछले 2 सालों में तो यही हम देख रहे हैं, तो क्योंकि पानी नहीं है ना, मतलब इरेटिक रेनफॉल हुई है, कहीं पे हुई है कहीं पे नहीं हुई, पे बहुत ज्यादा हुई कहीं पे बहुत कम हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा आउटपुट वेरी किया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टेटमेंट आई अज्यूम कभी ना कभी जरूर आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, आप थोड़े से भी स्मार्ट है ना, थोड़ा सा भी आपको लॉजिक लगाना आता है तो आपको ये बात पता है, और हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर स्टेटमेंट ऐसी होती है कि मनरेगा वर्क की डिमांड जब बढ़ जाती है तो इससे पता चलता है कि हमारी यू नो स्टेट ऑफ इकोनॉमी सही नहीं है, इट इज द राइट स्टेटमेंट। आप सोच के देखिए मनरेगा का एम क्या है, जब हमने कल डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट उन्नति को इम्प्लीमेंट करना स्टेट्स द्वारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी के लिए निर्भर नहीं करवा सकते उन लोगों को कि आपको 100 दिन की जॉब मिलेगी ही मिलेगी, सरकार देगी ही देगी, तो आप उनको स्किल कीजिए प्रोजेक्ट उन्नति के तहत। जो लोग अपने 100 दिन का काम कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट उन्नति ये कहता है एक घर में से, एक हाउस होल्ड में से एक एडल्ट को आप स्किल कर दो, ताकि बेसिकली उनको पूरी ज़िंदगी के लिए इन तरह के डेली वेज पर ना निर्भर रहना पड़े, उनके पास कोई स्किल होगी तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी भी तरह का काम कर पाएंगे वो, ठीक है। दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत और भी बड़ी सारी स्कीम है, उनके तहत आप स्किलिंग कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें। तो अगर यू नो कोई इंसान के पास कहीं काम नहीं है, फॉर एग्जांपल उसका एग्रीकल्चर में बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जो छोटा सा लैंड है उसको वो बिल्कुल नहीं काम कर रहा, कल्टीवेशन नहीं हो पाई, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो जब उसको कहीं काम नहीं मिला तो उसे पेट पालना है, तो जब वो मजबूरी में जाके सरकार से 100 दिन का काम मांगता है, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सही स्थिति में नहीं है, विच इज राइट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अब इन्होंने कहा है कि मनरेगा में थोड़ी डिमांड हमने कम देखी है, इसका मतलब ये है कि रिकवर होना शुरू हो गए हैं हम, ओके। जामा मस्जिद रिवोक्स ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एंट्री। तो देखिए जामा मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेशन ने थर्सडे को अपना एक ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया है। देखिए ये ऑर्डर क्या था बेसिकली, जो जामा मस्जिद के गेट्स पे चिपकाया गया था मतलब पेपर्स पे, तो उस पर बेसिकली क्या था कि अगर आप एक वुमन हैं और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अकम्पनीड नहीं हैं तो आप मॉस्क में नहीं आ सकते, आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। तो इसको काफ़ी बैकलैश मिला था बाकी बहुत सारी वुमेन द्वारा और बहुत सारी और कम्युनिटीज द्वारा, इतना कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना जी, उनको इस मैटर में इंटरवीन करना पड़ा, उनको बेसिकली रिक्वेस्ट करना पड़ा सैयद अहमद बुखारी जी जो शाही इमाम है मॉस्क के, कि आप प्लीज़ अपना ये ऑर्डर विड्रॉ कर लीजिए। तो फिर उन्होंने ऑर्डर विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा कि देखिए बेसिकली हम मॉस्क की जो सैंक्टिटी है, कोई इम्प्रॉपर एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे ना हो, तो हम यही इंश्योर करना चाहते थे, और हमारा बिल्कुल भी ये यू नो मकसद नहीं है कि किसी भी इंसान को, अगर कोई भी लड़की भी है वो यहाँ पे आके वर्शिप करना चाहती है तो वो वर्शिप ऑफर कर सकती है, हमारा मकसद ये नहीं था, बस सैंक्टिटी और मस्जिद की प्योरिटी को इंश्योर करना था, तो बस यही चीज़ उन्होंने बोली है, ओके। तो यहाँ पे भी मुझे आपको कुछ बताना है, आप वैसे तो इतने दिन से पढ़ रहे होंगे, आई डू नॉट नो आप न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते, तो न्यूज़ में तो ये ऑलरेडी काफ़ी चल रहा है पिछले कुछ समय से। ईसी इनिशिएट प्रोब इनटू वोटर डेटा थेफ्ट बाय एनजीओ, ओके। तो क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली यू नो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है इस वोटर थेफ्ट यू नो वोटर डेटा थेफ्ट केस में। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था, वेर इज इट रिटन, ओके। तो जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका है, बेसिकली जो उनकी म्यूनिसिपैलिटी है कर्नाटका की बात करिए मैं, बेंगलोर की, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एनजीओ, एक कंपनी जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रही थी जिसका नाम है चिल्लोमे एडुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, तो उनको उन्होंने कहा, इन्होंने क्योंकि ऑफर किया, उन्होंने कहा कि हम फ्री में बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का एक स्कीम है, स्कीम या पॉलिसी या एक इनिशिएटिव है, स्वीप इनिशिएटिव। स्वीप इनिशिएटिव के तहत इलेक्शन कमीशन क्या करती है, वोटर अवेयरनेस पैदा करती है। वोटिंग आपका, आप कह सकते हैं वोटिंग एक ड्यूटी है जो आपको ज़रूर निभानी चाहिए, अगर आप डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या फिर अगर ट्रांसजेंडर्स हैं उनको ये बताना कि वोटिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, और सरकार का किस तरह से आपका रवैया इतना वेलकमिंग है आपके लिए, आप अपना जेंडर बिल्कुल स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद से, इस तरह के यू नो जो अवेयरनेस कैंपेन होते हैं
वो बेसिकली स्वीप इनिशिएटिव के तहत चलाया जाता है। तो चिलो में यू नो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम फ्री में कर देंगे, मतलब तो बिल्कुल बिल्कुल आप टेंशन मत दीजिए, हम करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने अवेयरनेस करने जाते थे घर घर, डोर टू डोर होता है ना अवेयरनेस, तो घर घर जाते थे और उनसे फिर उन्होंने डेटा लेना शुरू कर दिया, मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनकी एज, उनकी कास्ट, उनका यू नो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो अब देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ऑपोजिशन है ना, यानी कि कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है, उनका और बहुत सारी सिविल सोसाइटी लोगों का भी यही कहना है कि कांग्रेस का ये कहना है कि क्योंकि अभी करंट जो सरकार है बीजेपी, उनका ये कहना है इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने मिसयूज किया। आई डू नॉट नो, वो तो देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं होता, इन्होंने क्यों किया ये तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा, पर उनका ये कहना है कांग्रेस का कि बेसिकली इन्होंने, अब देखिए क्या होता है ना कि एज पे या फिर कास्ट पे या फिर जेंडर पे, जब आपको पता चलेगा कितने अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एज के लोग हैं आपकी इस पर्टिकुलर जगह पे, कितने किस तरह के कास्ट के कितनी नंबर ऑफ लोग हैं यहाँ पे, जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप ये अनऑफिशियल डेटा जाके सरकार को सबमिट कर सकते हो, किसी को भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी है बेसिकली, और फिर वो उस तरह के कैंपेन में ऐसे अपने मैनिफेस्टो में बताएंगे कि हम विमेन के लिए ये करेंगे, क्योंकि आपको पता है विमेन वोटर बैंक बहुत मिल सकता है, आप फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि उनका वोटर बैंक ये मिल सकता है। तो यही तो करना है और यही डेटा चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये वोटर डेटा थेफ्ट केस है जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स सी व्हाट अदर आर्टिकल्स आर देयर इफ देयर आर एनी। ओके, इसमें वैसे कुछ खास नहीं है। यूएई ने बेसिकली, यूएई ने कहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, हम बेसिकली जो जिनका भी सिंगल नेम होता है ना पासपोर्ट पे, अब उनको नहीं आने देंगे। हम सिंगल नेम इन द सेंस, जो नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया में ऐसा बहुत है कि कई लोग अपना सरनेम नहीं यूज़ करते, या फिर कई लोग क्या करते हैं अपने नाम वाली जगह पे ही सरनेम और नाम दोनों लोग लिख देते हैं, फर्स्ट नेम भी। तो उनका ये कहना है कि दो नाम तो होने ही चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम और सरनेम। तो अगर आपका नहीं है तो फिर आप नहीं बेसिकली ट्रैवल कर सकते यूएई पे, इस तरह की एडवाइजरी आई है। और अगर बाय चांस आप सिर्फ एक ही नाम यूज़ करते हैं, अब इसमें आपकी क्या गलती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पासपोर्ट के दूसरे वाले पेज पे आपके फैमिली का नाम रखा है ना, फैमिली मेम्बर्स का, आपके फादर का नाम लिखा है या फिर मदर का नाम लिखा है, तो फिर आपको अलाउ कर देंगे। तो इतनी जितना इसका हल्ला मतलब मच गया है इंटरनेट पे, इतनी बड़ी बात नहीं है। आता है जब कोई ऑर्डर आता है तो उसके रिलैक्सेशंस भी आती है साथ में। इन्होंने कहा है सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कुछ कुछ, तो इस तरह की बात है। अब क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये तो नहीं उन्होंने बताया। रशिया न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आया भी है शायद पिछले साल या इस साल, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर आर्कटिक या पता नहीं ऐसा कुछ आया है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन्स। तो उस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बिल भी आया हुआ है अभी रिसेंटली, यू नो एक्सपीडिशन की भी बात हुई है आर्कटिक के पे जो हमने भेजी गई, बड़ी सारी चीज़ें हैं, हम आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जर्वर भी हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक पॉलिसी भी हमने रिलीज़ की है आर्कटिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आर्कटिक के रीजन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। फिर कुछ और भी है जो आर्कटिक को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो काफ़ी जो आइस है वो मेल्ट होगी। वैसे तो ये बुरी बात है, पर अब कंट्रीज बीइंग कंट्रीज, कैपिटलिस्ट व्हाट दे आर, दे ऑफ कोर्स हैव टू थिंक अबाउट देयर बेनिफिट एंड देयर प्रॉफिट्स व्हिच वुड ऑफ कोर्स इमर्ज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो अब क्या हो रहा है, तो अब हम थोड़ा सा रशिया का केस देख लेते हैं। वैसे तो हम ये सब कुछ देख चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एक न्यूक्लियर आइस ब्रेकर क्या होता है। आइस ब्रेकर तो आपको पता है कि अगर आपको बेसिकली सर्वे भी करना है एक पर्टिकुलर रूट को अपनी कंट्री के आसपास वाले, अब आपको पता है बर्फ ही बर्फ है और सर्दियों में तो और बर्फ हो जाती है, तो आइस ब्रेकर्स की जरूरत पड़ती है जो बेसिकली जो इतनी थिक बर्फ है उसको क्लियर कर करके, आसपास बर्फ ही बर्फ है लेकिन वो उसमें नीचे तो पानी है ना, उसको बेसिकली आसपास आप कह सकते हैं फेरी कर सकें आसपास सर्वे करने के लिए, तो आइस ब्रेकर की जरूरत होती है। अब न्यूक्लियर आइस ब्रेकर में क्या होता है, आइस ब्रेकर जो एक छोटी सी शिप टाइप होती है उसके ऊपर न्यूक्लियर प्लांट लगा होता है, तो जो एनर्जी जो पावर आपको चाहिए वो उस शिप को चलाने के लिए, वो न्यूक्लियर प्लांट आपको बिल्कुल बाकायदा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है खुद ही वहां पे, बिल्कुल ही आपके शिप पे एस्टैब्लिश्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है, क्या स्ट्रेटेजिक सिंबल भेजती है। अगर कोई कंट्री के पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स हैं तो ऑटोमेटिकली सेंस में पावरफुल हो जाता है और उसको एक एज है थोड़ा सा आर्कटिक रीजन में, ठीक है। तो ये चीज तो अब हम देखते हैं। और साथ ही में रशिया द्वारा यू नो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स को दोबारा से, वैसे तो ये इट इज दी ओनली कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स हैं आर्कटिक के लिए, और अगर रशिया द्वारा यू नो और इस तरह के उसको कमीशन करना,
इस तरह के आइस ब्रेकर्स को ये दिखाता है कि वो न्यूक्लियर थ्रेट जो बार बार भेज रहे हैं यूक्रेन वॉर में, तो न्यूक्लियर थ्रेट ये कोई थ्रेट नहीं है वैसे तो, पर उनको न्यूक्लियर सिंबोलिज्म के हम ग्रेट हैं, यू नो रशिया इज रशिया, ये भेजता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नवंबर 22 को क्या हुआ, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बेसिकली वर्चुअली यानी कि एक जूम कॉल से कह सकते हैं आप, लॉन्च को प्रिसाइड किया, इनॉग्रेट किया बेसिकली उस सेरेमनी को जहाँ पे दो न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स को आप कह सकते हैं लॉन्च किया गया और बताया गया कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं। अब देखिए जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे मैंने आपको बताया आर्कटिक के तरफ से हमें न्यू रूट्स मिलेंगे, नए रिसोर्सेज, इतनी सारी गैस है वहाँ पे अनटैप्ड, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, तो ऑफ कोर्स ऑल द कंट्रीज जितनी भी आसपास की कंट्रीज हैं दे आर देयर इन द रेस सो दैट दे बिल्ड देयर मिलिट्रीज देयर, और रशिया के पास डेफिनेटली एक लीड है वहाँ पे, रशिया को थोड़ा सा एज है। व्हाई आर द रशियन आइस ब्रेकर्स सिग्निफिकेंट, तो मिस्टर पुतिन ने इस लॉन्च सेरेमनी पे बोला कि देखिए ओके तो इन्होंने बोला है कि बहुत ग्रेट आर्कटिक पावर है रशिया का स्टेटस, ये स्ट्रेंथन कर देगा हमारे स्टेटस को, जो 173.3 मीटर लॉन्ग यकूशिया है जो एक आइस ब्रेकर का नाम है वो डिस्प्लेस कर सकती है अप टू 33,540 टन्स ऑफ आइस को, और इसको लॉन्च किया गया है इनटू वाटर एंड कैन ब्रेक आइस, ओके ये 3 मीटर्स ऑफ आइस तक को ब्रेक कर सकते। अब देखिए क्या होगा ना, मैं आपको बताती हूँ अभी, डो नॉट वरी, कुछ और चीज़ें अगर एक्स्ट्रा होंगी तो मैं आपको बताऊँगी। ओके ओके दिस वॉज इट, देर आर ऑलरेडी टू सिमिलर, अब यहाँ पे फिर द फ्लैग वॉज रेज्ड व्हेन अनदर वेसल यूराल दूसरी वेसल है जो लॉन्च की गई विच इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल इन डिसम्बर वाइल द यकूशिया विल ज्वाइन सर्विस बाई एंड 2024। अब देखिए यकूशिया और यूराल को बेसिकली लॉन्च किया गया, ये 4 मीटर तक कहते हैं कर लेता है, वो 3 मीटर तक आइस ब्रेक कर लेता है, और देखिए ऑलरेडी कुछ सिमिलर वेसल्स भी हैं सर्विस में, ठीक है आर्कटिका सीबिर, तो इससे क्या होगा ये डेफिनेटली बहुत। अब देखिए क्या एक और चीज़ यहाँ पे, मिस्टर पुतिन सेड दैट अ मच मोर पावरफुल 209 मीटर लॉन्ग न्यूक्लियर आइस ब्रेकर रशिया डिस्प्लेसिंग अप टू 71,380 टन्स वुड बी कंप्लीटेड बाय 2027, तो ऑलरेडी ये भी काम में है। इन द लास्ट टू डेकेड्स रशिया हैज रीएक्टिवेटेड सेवरल सोवियत एरा आर्कटिक मिलिट्री बेसिस एंड अपग्रेडेड इट्स कैपेबिलिटीज। मिस्टर पुतिन, अब मैं आपको बताती हूँ, Not worry, I just have to read it, give it a cursory reading, ताकि कुछ छूट ना जाए। मिस्टर पुतिन ने बेसिकली बोला है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है नदन सी रूट की, जहाँ पे यू नो बेसिकली जितने भी सीज आते हैं लेप्टेव कराच ये सब वगैरह जितने भी सीज हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बेसिकली एशिया की जो मार्केट है ना वहाँ तक पहुँचना होता है हमने, ठीक है अब वहाँ तक हम स्यूज कैनाल के माध्यम से पहुँचते हैं और 15 दिन तक हम कट कर लेंगे अगर ये वाला रूट हम खोल लेते हैं तो ये ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत बड़ी आप कह सकते हैं विन हो जाएगी। इन लाइन विद दिस दी अपडेटेड रशियन नेवल डॉक्ट्रिन अनवील्ड इन जुलाई एंड दिस आर जस्ट डाइवर्सिफाइंग एंड स्टेपिंग अप नेवल एक्टिविटीज ओके अपने ये वाले रीजन में रैंगल आइलैंड नोवाया जैमलिया आर्किपेलागोस ये सारे रीजन्स तो अपने इनके नॉर्दर्न एरिया में बसे हुए हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ द वॉर, अब ये सब कुछ आप देख सकते हैं, साथ में एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है जो कनाडा डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन एंड द यूएस अनाउंस्ड कि वो भी बेसिकली अपनी बेसिकली क्या कर रहे हैं टेम्परेरली पॉज कर रहे हैं अपनी पार्टिसिपेशन को हर आर्कटिक काउंसिल की मीटिंग को या फिर उसकी जितनी भी सब्सिडरी बॉडीज हैं। ओके तो देखिए एक तो हो गया ये एशिया के मार्केट में इसे बहुत बड़ा लेवराज मिल जाएगा अगर इससे इनका कहना है कि आइस ब्रेकर जो सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक काम कर पाते थे और नवंबर के बाद इस तरह की नेविगेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाती थी तो अब नवंबर हो दिसंबर हो अब तो ये पूरे साल काम कर सकते हैं आइस ब्रेकर, ये रशिया का कहना है तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इंपॉर्टेंस इन आइस ब्रेकर का है। अब देखिए क्यों आर्कटिक है इंपॉर्टेंट और क्यों हर कंट्रीज को इंपॉर्टेंस दे रही है ओके और हर कोई क्यों कैपिटलाइज करना चाहता है इस मेल्टिंग आर्कटिक को, तो रशिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है आर्कटिक में इसने बाकी कंट्रीज को भी प्रॉम्प्ट कर दिया है कि वो भी मिलिटरली अपना ये बेस बनाए वहाँ पे उसको एक्टिवेट करें मॉडर्नाइज करें। अब देखिए अंटार्कटिका भी तो आप कहेंगे अंटार्कटिका में तो ऐसा नहीं हो रहा, अब देखिए अंटार्कटिका यू नो ग्लोबल कॉमन नहीं है ना, अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन है आर्कटिक ग्लोबल कॉमन नहीं है, तो जब कोई ग्लोबल कॉमन नहीं है तो हर कोई कोशिश करता है कि हम इसको अपना बना लें, ठीक है तो अंटार्कटिका तो ग्लोबल कॉमन है वहाँ पे कोई भी किसी तरह का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी तरह की टेरिटोरियल जोन कुछ नहीं अप्लाई होता, वो सबका है हर कंट्री का हर इंसान का, हर कोई वहाँ पे जाके एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन कैरी आउट कर सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, लेकिन आर्कटिक और मतलब कोई भी वहाँ पे जाके कुछ न्यूक्लियर चीज़ें नहीं कर सकता
अंटार्कटिका में, क्योंकि वो एक ग्लोबल कॉमन है, ठीक है, अपना कोई जाके वहां पे कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। लेकिन आर्कटिक जो है बेसिकली आर्कटिक एक ग्लोबल कॉमन नहीं है, तो हर कोई अपना बनाना चाहता है, उसको जितना ज्यादा उसको लेवराज मिल जाए मिल जाए। अगर हम देखें फॉर इंस्टेंस, नेटो हैज बीन कंडक्टिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस इन द रीजन व्हाइल द पार्टनर कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन अपग्रेडिंग मिलिट्री केपेबिलिटीज। एट द सेम टाइम चाइना विच कॉल्स इटसेल्फ, अब चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है, जबकि नियर तो कहीं से नहीं है, दूर ही है थोड़ा, फिर भी अब हर कोई वहां पे अपना स्टेक चाहता है, तो चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बता दिया हुआ है। तो इसीलिए बेसिकली उन्होंने बोला है कि हमारे भी काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं, हम पोलर सिल्क रूट, सिल्क रूट हमारे सिविलाइजेशन का इतना बड़ा पार्ट है, तो हम पोलर सिल्क रूट बनाना चाहते हैं ताकि हम यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है, और उसके लिए हम भी आइस ब्रेकर्स बनाएंगे, क्योंकि जब हमने रीच करना तो आइस को तो कट करना ही पड़ेगा हमारे को। अब इंडिया का क्या स्टैंड है आर्कटिक से रिलेटेड, अगर हम 2007 से बात करें, इंडिया ने यू नो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम एक एस्टैब्लिश किया हुआ है, हम ऑलरेडी 13 साइंटिफिक एक्सपेडिशंस वहाँ पे लेके जा चुके हैं आज तक। अगर हम मार्च 2022 की बात करें, तो हम अपनी फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी को लेके आए थे, इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया वन ऑफ द 13 ऑब्जर्वर्स भी है आर्कटिक काउंसिल का, और यू नो द लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रमोटिंग कॉपरेशन इन द आर्कटिक, तो उसका भी हम मेंबर हैं, ऑब्जर्वर मेंबर हैं। और जैसे कि देखिए ये और हीटअप होगा, और यू नो सबसे ज़्यादा हीटिंग अब ऑफकोर्स पोल्स पे ही होती है, तो फिर और रेस बढ़ जाएगी, और यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और सबके इंटरेस्ट वहाँ पे सेम है, सब पॉलिटिकल लेवराज भी चाहते हैं, सब इकोनॉमिक लेवराज भी चाहते हैं। US रिमार्क कंपेयरिंग मोदी टू सऊदी PM वॉज अननेसेसरी सेज इंडिया। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या हुआ था कि जो सऊदी PM है, अब PM है जैसे सऊदी जो प्रिंस है MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनको बेसिकली ना जमा खशोगी केस जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें, जो बाइडेन ने जब ये नए नए आए थे बोला था कि हम इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाएंगे ये वो, लेकिन अब रिसेंटली US के कोर्ट ने बोला है कि नहीं, हम उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनिटी है इंटरनेशनल लॉ के तहत। जैसे यू नो फिर उनके एक स्पोक्स पर्सन ने बोला US की एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे मिस्टर मोदी को भी हमने दी थी यू नो क्योंकि उनको गोत्रा राइट्स में 2002 के अलीज किया गया था, तो हमने उनकी एंट्री बैन कर दी थी यहाँ पे, लेकिन फिर वो PM बन गए और हम उनके खिलाफ केस नहीं चला सकते थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीजें हुई, तो इस बेसिकली US की इस कंपैरिजन को यू नो नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर करना सऊदी क्राउन प्रिंस है, इनको हमारी तरफ से ये बोला गया है कि ये बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं थे, क्या जरूरत थी, नेसेसरी नहीं था, मतलब क्या कंपेयर करने की जरूरत है, आप उसको बस कह देते कि लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है, तो बस ये हमारा बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। और साथ में दिक्कत एक और है यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि एक कंट्री अपडेट करते हैं, कंट्री वाइज अपडेट करती है इनकी ये रिलीजियस फ्रीडम की ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बोला है कि जो हमारी सरकार है भारत की वो टॉलरेट करती है रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस को, या फिर जो भी अभी हम जो भी कुछ देख रहे हैं इंटर कम्युनिटी टसल्स को, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। और देयर इज अ टेंडेंसी टू कंसिस्टेंटली मिस, अब देखिए भारत ने ये कहा है कि US तो हमेशा से ये करता है, आप मिस रिप्रेजेंट करते हो और मिस अंडरस्टैंड भी करते हो भारत को, क्योंकि आप एक्चुअल में कभी समझ नहीं पाए हो कि भारत है क्या, और हमारी प्लूरालिटी को हमारे केओस में ही जो जिस तरह का डिसिप्लिन है आप इसको समझ ही नहीं पाते, तो आप रहने दो, आपसे हम उम्मीद भी नहीं करते। तो इस कंट्री अपडेट ने बेसिकली रेफर किया है इंडिया के क्रैकडाउन जो सिविल सोसाइटी पे हो रहा है, डिसेंट पे, सिडिशन वाली चीज़ों पे, साथ में जो जर्नलिस्ट राइट्स एक्टिविस्ट को जेल की जा रही है, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है उनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं जैसे CAA इस तरह की चीज़ें, और साथ में इन्होंने रेकमेंड किया है US स्टेट डिपार्टमेंट को, जो बेसिकली पीरियोडिकली एक लिस्ट निकालता है US स्टेट डिपार्टमेंट, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। अब यू नो इसने कहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने कि कंट्री अपडेट ने कि आप क्या करो, आप इंडिया को डेजिग्नेट कर दो एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो ये इन्होंने कहा है। तो भारत ने कहा है हमें बहुत टेंशन नहीं है, हमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है USCIRF ये गवर्नमेंट बॉडी थोड़ना है, ये तो कांग्रेस के कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, अपने हिसाब से आप यू नो एक गुट बना के कंट्री अपडेट निकालते रहे, तो हाउ डज दैट मैटर। सुप्रीम, ये बेसिकली हमारी स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम लिस्ट 7 हाई कोर्ट जजेस फॉर ट्रांसफर, तो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, बस कि मैं आपको, मैं खुद पढ़ रही थी तो ये चीज़ मार्क कर ली मैंने। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ऑफकोर्स आपको पता है जो
ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स को डील करते हैं, तो उसमें एक जो थे जस्टिस निखिल केरियाल, तो वो बेसिकली गुजरात हाई कोर्ट के जज थे जिनके जिनके ट्रांसफर को पहले रेकमेंड किया गया था, पर अब फाइनली ट्रांसफर ऑर्डर में इनका नाम नहीं है क्योंकि जो प्रोटेस्ट हमने देखी, किरण रिजिजू जी ने भी जिसका ऑपोजिशन किया कि प्रोटेस्ट सही नहीं है, कोलिजियम सिस्टम सालों की एक प्रथा है, प्रथा इन द सेंस ये सिस्टम साइंटिफिक है, उन्होंने कहा और इतने सालों से चला आ रहा है, ऐसे तो आप हर डिसीजन को क्वेश्चन करने लग पड़ोगे, पर इनका नाम इस ट्रांसफर में नहीं है। करेंसी इन सर्कुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल दैट इन यूज बिफोर डीमोनेटाइजेशन, चिदम्बरम। तो बेसिकली जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है पी चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आप रिपोर्ट देखिए, अभी रिसेंटली आई थी, हमने इंडियन एक्सप्रेस में इसको डिस्कस भी किया था, वो दिखाती है कि करेंसी इन सर्कुलेशन जो अब लोगों के हाथ में कैश है वो ₹32.18 लाख करोड़ है, विच इज डबल, ऑलमोस्ट डबल द 17.97 लाख करोड़ ऑफ करेंसी जो नवंबर 2016 से पहले थी। तो आपने तो कहा था कि आप कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गई थी डीमोनेटाइजेशन के बाद और ये सारी चीज़ें, तो फिर ये कैश कहाँ से आ गया? तो आपको अब फाइनली ये केस उठा लिया गया है, सरकार का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। कितनी एकेडमिक एक्सरसाइज? तो फिर जस्टिस जो अब जो जस्टिस नज़ीर हैं उनका ये कहना है, चाहे एकेडमिक एक्सरसाइज भी हो, एकेडमिक एक्सरसाइज मतलब सरकार का ये कहना है अब तो खत्म हो गया, डीमोनेटाइजेशन गए 6 साल हो गए, अब तो एक आर्टिकल एक एडिटोरियल इधर उधर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो लिख देते हैं कि गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने जुडिशरी को कहा, जुडिशरी ने कहा लेकिन नहीं ऐसा, आपने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दी। इससे पहले जब भी डीमोनेटाइजेशन हुई है, एक इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस टाइम पे ऑफकोर्स होनी ही थी क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो खुद की करेंसी सीरीज निकालनी थी, तो वो तब डीमोनेटाइजेशन पहले वाली करेंसी को हटाना था, तब पार्लियामेंट द्वारा डिबेट किया गया, एक लॉ आया था, ठीक है, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया, तब भी पार्लियामेंट द्वारा लॉ आया था। अब इस बारी रातों रात आपने नोटिफिकेशन निकाल दी, उसी रात हमें पता चल रहा है कि करेंसी स्क्रैप हो गई है, तो ये गलत था। ये मतलब कुछ कुछ पिटिशनर्स का स्टैंड है, तो इसीलिए बेसिकली जस्टिस नज़ीर का ये कहना है कि आने वाले टाइम में भी कोई सरकार ऐसा कर दे, इतना रैम्पेंट डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन कॉन्टम्पलेट किया बिना, और जिस तरह की दिक्कतें लोगों को हुई, देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिसमें हमारे फॉर्मर पीएम जो हैं मनमोहन सिंह जी भी, वो भी ये कहते हैं, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सी आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो, आप जिसको भी पसंद करते हो, पर आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वेल रिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमिस्ट हैं, सो मच सो कि 2008-2009 का जो फिनेंशियल क्राइसिस था, जब USA ऑलमोस्ट डूम हो गया था, नंबर वन इकॉनमी आज वो नहीं होता अगर बराक ओबामा जो उस टाइम के प्रेसिडेंट है US के, वो इकोनॉमिक सजेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से अपनी सजेशंस ना लेते कंट्री को उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए। सो सच इज द काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस जो जो इकोनॉमिक्स में उनका जो स्टेटस है वो, ठीक है, एकेडमिक स्टेटस, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही, जो अगर ये कहना गलत है कि जो स्लो डाउन हम अब देख रहे हैं वो सब पैंडेमिक की वजह से हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैंडेमिक से बहुत पहले से स्लोडाउन भारत का शुरू हो गया था और सबका यही कहना है कि वो डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ। इसीलिए जस्टिस अब्दुल नज़ीर जी ने कहा कि कुछ तो है ना दिक्कत, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, हम तो सरकार के तरफ से भी सुनना चाहते हैं कि अगर आपके जो जो बेसिकली आपने कहा था, जो आपके एम्स हैं कि हमें काउंटरफीट करेंसी, जो फेक करेंसी है उसको हमें कर्ब करना है और ये सब वगैरह, कितना आपने अचीव कर लिया वही बता दो, ठीक है। तो इंडिया ईरान डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, नथिंग मच योर, बेसिकली चाबहार पोर्ट के बारे में डेवलप करेंगे, शहीद बेश्ती प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये सब के बारे में बेसिकली बात हुई है इंडिया और ईरान के बीच में, ठीक है, कुछ खास है नहीं ऑनेस्टली यहाँ पे। तो इन्होंने बाकी और भी सारी चीज़ें पे बात की कि कैसे बायलेटरल रिलेशंस है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब मैं आपको कुछ बताऊंगी कि ऑयल दोबारा हम लेना शुरू कर देंगे इनसे, वो भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन मिलिट्री मस्ट एब्सटेन फ्रॉम विट्रियोलिक, ओके, विट्रियोलिक कम्युनिकेशन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ने क्या कहा है, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। जो हमारे नदनामी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने बोला कि इंडियन नामी वो हर तरह का ऑपरेशन कैरी आउट करेगी जो सरकार हमें कैरी आउट करने के लिए कहेगी। अब सरकार का क्या कहना है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हम बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेंगे, ठीक है, और जब तक अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक ये POK हमारे पास नहीं आ जाता। तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं बेसिकली वो इस तरह के एक्सपेडिशन के लिए भी तैयार हैं, कल को अगर ऑर्डर्स ही आएंगे तो वो भी तैयार है। तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट ये आती है कि आर्मी को बेसिकली और भारत को
इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये सिर्फ यूटोरिक है, ये वोट गेन करने के लिए कि हम ये जो आप नेशनल मोबिलाइजेशन करते हैं, बिल्कुल जिस तरह की रिग्रेसिव आइडियोलॉजी पॉलिटिकल मास्टर्स की है भारत की, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और इन्होंने कहा है कि हाँ बस यही सारी चीज़ें जो शो वोटिंग आप करते हैं, जो शो ऑफ करते हैं सिर्फ वोट्स गेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी चाहिए, ये इन्होंने बेसिकली कहा है। आरटीआई पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉन्च, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इससे पहले आरटीआई भी, इससे आपको लगता होगा इससे पहले आरटीआई नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन आपको बाय पोस्ट भेजनी पड़ती थी आरटीआई अगर आपको फाइल करनी है कोई भी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट पर सीक करनी है। पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बेसिकली क्या किया है, आरटीआई पोर्टल एस्टैब्लिश कर दिया है। तो आरटीआई पोर्टल के तहत बेसिकली क्या होगा, आरटीआई पोर्टल की वजह से अब आप यू नो ऑफ कोर्स इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से आरटीआई सीख कर सकते हैं। और देखिए आपको पता है कि जो नॉर्मल आरटीआई का प्रोसीजर होता है, हमने कल ही डिस्कस किया है सब कुछ, कि 30 दिन के अंदर अंदर बेसिकली रिप्लाई आता ही आता है, गारंटीड होता है। और अगर कोई डेथ, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन होते हैं उसमें 24 to 48 आवर्स के बीच बीच में आपको आएगा ही रिप्लाई। तो वही बेसिकली इन्होंने इंश्योर किया है। एविएशन मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2022। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किए हैं ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2022 को, जिससे बेसिकली क्या है, एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर जो है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, उनको पावर दे दी गई है कि आप पेनल्टी लगा सकते हैं 1 करोड़ तक की एयरपोर्ट्स पे और एयरलाइंस पे अगर वो वायलेट करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स को। ओके, तो यही सारी चीजें यहां पे लिखी है। और साथ ही में लार्ज एयरपोर्ट्स पे यू नो पेनल्टी लग सकती है 1 करोड़ की अगर वो दे फेल टू प्लान द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द एयरपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम पे वैसे भी बहुत सारे क्रैशेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने डिस्कस भी की हैं, आपको याद होगा जो द हिंदू में ही आई थी। तो इट इज़ वेरी गुड कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस ड्राफ्ट को लाया गया है, और यू नो ये हो बी इंश्योर द रूल्स विल सुपरसीड, अब 2011 के रूल्स को सुपरसीड कर लेगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ऑलरेडी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 का लागू कर दिया है, जिससे स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई है BCAS को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को। अब इन तीनों को क्यों दी गई है बेसिकली स्टैट्यूटरी पावर, स्टैट्यूटरी स्टेटस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो एविएशन वॉच डॉग है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा था कि ये तीन रेगुलेटर काम कर रहे हैं लेकिन इनको स्टैट्यूटरी पावर ही नहीं है, तो इसलिए लाया गया। तो स्टैट्यूटरी पावर देने के साथ साथ इस एक्ट ने बेसिकली मैक्सिमम पेनल्टी को भी रेज कर दिया गया था, 10 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया था, ताकि सिक्योरिटी सेफ्टी में यू नो इंश्योर हो सके। पाकिस्तान पीएम ने बेसिकली नेम किया है एक्स स्पाई मास्टर को असीम मुनीर, अब वो नए आर्मी चीफ हैं, नवंबर 29 को बेसिकली ये चार्ज ले लेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा जी से। ठीक है, तो ये फेवरेट है शहबाज शरीफ के। तो बस यही है, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।